ये देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है। बोला गया कि दो ऐसी चीजें हैं, एक तो है लाइफ और दूसरा है टाइम, जो वर्ल्ड की टू बेस्ट टीचर आप लोग इनको बोल सकते हैं। मतलब क्या है, यानी कि ये चीजें आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। लाइफ आप लोगों को बताती है कि किस तरीके से आप लोगों को अपने टाइम का ढंग से यूटिलाइज करना है, और टाइम आप लोगों को बताता है कैसे आप लोगों को अपनी लाइफ को वैल्यू देनी है। यानी कि अगर जिंदगी में आप लोगों ने इन दो चीजों को समझ लिया तो आप लोगों की जिंदगी की ये समझिए आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। आप लोग अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करेंगे, और जिस दिन आप लोगों ने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करने स्टार्ट कर दिया उस दिन आप लोगों की लाइफ जो है वो अपने आप चमकने लगेगी। तो इसलिए दोनों कोरिलेटेड है। अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो लाइफ भी आप लोगों को बर्बाद होती नजर आएगी। तो इसलिए अपने आप डिसाइड कीजिए कि आप लोगों अपना कितना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, उससे आप लोगों की लाइफ जो है वो अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर काफी दिनों से मॉर्निंग में उठने की कोशिश कर रहा हूं पर नहीं उठा जा रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अकेले फेस नहीं कर रहे हैं, ये मैक्सिमम आप लोग देखिएगा जो स्टार्टिंग में चीजें स्टार्ट करना चाहते हैं हर एक बंदा ही फेस करता है। पर लेकिन आप लोग जब उस कमिटमेंट को, जो भी आप लोग सुबह उठने का या फिर कोई भी काम करने का है, जब आप लोग उसको इतनी एनर्जी देंगे कि उसके कंपेयर में कोई भी चीज आप लोगों के सामने जो है वो फीकी पड़ जाएगी, तो अपने आप बिना अलार्म के भी आप लोगों की आंख खुलेगी। इसका मतलब ये कि जो चीज के लिए आप लोग उठ रहे हैं उस चीज को आप लोग इतना प्रेफरेंस दे ही नहीं रहे हैं, वो चीज आप लोगों की जिंदगी में इतना मायने रखती नहीं कि आप लोगों की नींद जो है वो आप लोगों की ज्यादा एक तरीके से बड़ी हो गई है। तो इसलिए आप लोग जिस दिन आप लोगों की जो नींद है वो आप लोगों के सपनों से छोटी होगी उस दिन समझिएगा कि आप लोग लाइफ में एक सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, और आप लोग अपना टाइम भी वेस्ट करना बंद कर देंगे और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर यह है बारेंट सी, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले आइए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे शब्द जो था स्टार्टिंग में जो बोला काफी शानदार आर्टिकल है, तो आज की डेट में शानदार आर्टिकल तो ज्यादा नहीं है, पर लेकिन हाँ मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐसी की हैं कि आप लोगों को डिस्कशन शानदार लगेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर बिहार के इलेक्शन के बारे में, ये वाला है बाई इलेक्शन के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जानेंगे। यूएसए में जो नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं ये जानेंगे। इलेक्शन से पहले कई बार जो फोरकास्ट की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है, हल्का सा एक ओवरव्यू यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हमारे जो चहीते जो एंकर थे यहाँ पर रिपब्लिक टीवी के जो ओनर हैं वो आज के डेट में जेल में है, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस यहाँ पर किया गया है, ये भी बिहार के इलेक्शन के बारे में, और ये आज के डेट में जो COVID-19 की दवाई है उसके बारे में है। पर लेकिन ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो क्या है, मिर्जापुर। यानी कि क्या मतलब बोला मैंने, आज आप लोगों को मिर्जापुर सीरीज दिखाने वाला हूँ मैं, तो ये आप लोगों ने देखी होगी। मिर्जापुर सीरीज नहीं दिखाने वाला हूं, बेसिकली हम लोग ओटीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओटीटी क्या है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में इंपैक्ट डाल रही है, हमारी कंट्री में क्या इंपैक्ट डाल रही है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने आने वाली है, और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रेगुलेशन जारी की गई है जिसकी वजह से काफी न्यूज में है। तो इस आर्टिकल को काफी डिटेल में हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में कार्टून भी होगा, पर लेकिन पहले इसी आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों से जब कार्टून डिस्कस करूंगा तो वो इलेक्शन के बारे में, तो उसके साथ में कनेक्ट करेंगे उसको बिहार के इलेक्शन के साथ में। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसके लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्रिटिकली डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या चैलेंज हैं एसोसिएटेड आज के डेट में, इसको बोलते हैं ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में जो कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये शब्द क्या बोल दिया, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं। तो ये ओटीटी, अगर मैं इसको बोलूं, आप लोग ओटीटी छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को बोलूं अमेजन या फिर नेटफ्लिक्स, अगर इस तरीके की बात आप लोगों को बोलूं तो आप लोग इसे कोरिलेट कर पाएंगे। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आप लोग ऑनलाइन जाकर कोई ऐप डाउनलोड कर या उनकी वेबसाइट पर जाकर इस तरीके के प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, तो इसको ओवर द टॉप बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से ओटीटी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है, इस तरीके प्लेटफॉर्म। आज की डेट में कितने आप लोग, अगर हम लोग अपने परिवार में एसएलयू में भी एक एनालिसिस करें कि आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो रियलिटी में आज के डेट में टीवी देखते हैं बैठकर, टीवी कितने लोग यहां पर आज के डेट में बैठकर देख रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा टीवी जो है वो काफी हद तक आज के डेट में कम होता हुआ जा रहा है। मैक्सिमम लोग तो बैठकर यूट्यूब देखते हैं, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये कि उसका कंट्रोल आप लोगों के हाथ में होता है, टीवी का कंट्रोल आपके हाथ में इनडायरेक्ट वे में नहीं है। मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, या तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं, या फिर आप लोग टीवी को बंद कर सकते हैं, पर उस प्रोग्राम को आप लोग बढ़ा बढ़ा कर नहीं देख सकते, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, पर ये फैसिलिटी आप लोगों के पास में यूट्यूब के ऊपर है। आप लोगों को जहां पर लगता है कि मेरी वीडियो भी आप लोगों को लगता है कि यार ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप लोग उसको पॉज कर आराम से देख सकते हैं, उसको वहीं पर ही रोक कर आप लोग एक तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं अपने, अगर आप लोगों को लग रहा है एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, तो उसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। आप लोग इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्पीड
को घटा सकते हैं, सारे कंट्रोल बेसिकली यूट्यूब का आप लोगों के हाथ में है। तो एक तरीके से इसलिए जनता जो है ज्यादा प्रेफर कर रही है यूट्यूब को। और यहां पर अगर बात करूं टीवी की तो रियलिटी बताता हूं, पता नहीं कितना टाइम हो गया टीवी देखे हुए, और जहां पर मैं रहता हूं वहां पर मैं टीवी रखता भी नहीं हूं, ठीक है। मेरे पास में बस लैपटॉप रहता है और जो भी मुझे देखना होता है सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल रहता है आज के टाइम में। यूट्यूब पर देख लो या फिर OTT जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कोई सीरीज ऐसी है जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए तो आप लोग इसको भी जाकर देख सकते हैं। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों की लत मत लगाइएगा। आप लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है, लैपटॉप रहता है, कंट्रोल भी आप लोगों के हाथ में रहना चाहिए उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके कंट्रोल में आप लोग इतने आ जाएं कि बैठ के बस आज एक मिर्जापुर की खत्म कर दी, कल को कोई और उठा ली, परसों कोई और उठा ली। अगर ऐसे करोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। सीरीज देखो अगर आप लोगों को लगता है थोड़ा एंटरटेन के लिए देखनी है, हालांकि डिस्टेंस बनाकर रखो क्योंकि अगर देखना स्टार्ट करोगे तो लत लगनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इससे अपने आप को बचा पाते हैं। जैसे अभी बहुत ज्यादा न्यूज था, मैं एक बार सर्विस कराने गया था गाड़ी की, तो वहां पर मैंने देखा जाकर एक बंदा जो है वो बोल रहा है कि यार मिर्जापुर का ना ट्रेलर आ गया है। मैंने कहा यार ये मिर्जापुर क्या है, मैंने एक्चुअली इसके बारे में सुना था थोड़ा सा, पर एक्चुअल में पता नहीं था कि इतना कुछ इसके बारे में क्रेज है। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा ये तो बात होने लगी, मैंने कहा क्या है मिर्जापुर, तो हंसने लगे, बोले कि आपको नहीं पता है मिर्जापुर का सेकंड जो अभी फिलहाल सेकंड एपिसोड इसका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सेकंड सीजन इसका आ रहा है। तो तब मैंने समझा इसके बारे में, मैंने कहा बताओ यार क्या ये, तो उसके बारे में बताया। उन्होंने ऐसे ऐसे कहानी है, यहाँ पर ये कालीन भैया हैं और ये ऐसे ऐसे, उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई इसकी। बैठा था, मेरी सर्विस भी हो गई और मिर्जापुर की कहानी भी सुन ली मैंने। तो फिर यहां पर एक तरीके से मेरा टाइम भी बच गया और पता भी चल गया क्या चीजें थी। तो यहां पर देखिए, वैसे अगर आप लोगों को फिर भी इंटरेस्ट है तो आप लोग इसमें ज्यादा टाइम मत लगाएगा, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरीके से आप लोग को इस सीरीज देखिए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को लगता है, जिससे आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। बाकी इनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी ये न्यूज में क्यों है पहले आप लोग ये जानिए। न्यूज में यहां पर इसलिए है, अभी हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो OTT है, यानी कि ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, दूसरे जो भी हैं, इनको बोला गया है कि ये आने वाले टाइम में अब यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आएंगे। अब तक इनके सर पर कोई नहीं था, ये अपनी मनमानी करते थे, जो इनको करना होता था वो करते थे, कोई इनसे कुछ नहीं पूछता था। तो इसलिए यहां पर ये जिस तरीके से आज के में काफी सारी गंदी गंदी जो आज के में बिल्कुल जिन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, उस लेवल की जो आप लोगों को बिल्कुल खुले आम चीजें यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से ये एक जो जनता है उसको इंगेज रखने का एक अलग तरीका मीडियम यहां पर तैयार कर दिया गया है, जिसको आप लोग अपने परिवार के साथ में बैठकर नहीं देख सकते हैं। अभी आप लोग कंपेयर भी करके दिखाऊंगा क्या चल रहा है आज के में, इसका जो फंडा है बेसिकली इसकी वजह से जो जनता है वो किधर किस डायरेक्शन में मुड़ती ही नजर आ रही है। OTT जो प्लेटफॉर्म है यहां पर अगर इसके बारे में बात करें तो ये किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है, तो ये काफी बड़ा इशू है। जैसे आप लोगों को बात करूं फिल्म के बारे में, आप लोग कोई मूवी अगर देखते हैं तो वो रेगुलेटेड रहती है हमारी कंट्री में। ये है यहां पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, यानी कि इस मूवी को किस कैटेगरी में रखना है, एडल्ट कैटेगरी में रखना है इसको, नॉर्मल कैटेगरी में रखना है, या फिर कौन सा इसको रेट देना है, कि यहां पर बच्चों के लिए भी उसके लिए पहले से गाइडलाइन रहती है। तो यहां पर उसमें पहले से उसको डिसाइड कर लिया जाता है कि पब्लिक एग्जीबिशन जो जाएगा उसको किस तरीके का सर्टिफिकेशन देना है। तो सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है यहां पर इस एक्ट के थ्रू, यहां पर मूवीज को सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जो आप लोग जो केबल यूज करते हैं, जैसे केबल टेलीविजन नेटवर्क जो आप लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए यहां पर रहता है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, यानी कि ये यहां पर आया तो 1995 में इसको रेगुलेट कर दिया गया। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग देखिए OTT के बारे में, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी एक्ट हमारी कंट्री में नहीं है। तो इसलिए इसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं यहां पर, ताकि जो चीजें हैं उसको एक स्पेसिफिक कंट्रोल में लाया जा सके और कहीं ना कहीं एक लगाम लगाई जा सके, क्योंकि बेलगाम का घोड़ा जो होता है वो कई बार काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा जाता है। जैसे आप लोगों का दिमाग भी बेलगाम का घोड़ा है, अगर आप लोग मोबाइल लेकर बैठ गए तो मोबाइल लेकर ही बैठे हुए हैं, कुछ उस पर खोल लिया एक बार तो फिर आप लोग उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही मोबाइल पर नजर जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आज के डेट में आप लोग मोबाइल को नहीं चला रहे हैं, मोबाइल आप लोगों की जिंदगी को चला रहा है। तो जब तक ये अपोजिट नहीं होगा कि आप लोग मोबाइल को चलाएं, जब जरूरी हो तब उठाएं, जब जरूरी नहीं हो तब नहीं उठाएं, और उसके नोटिफिकेशन सारे ऑफ रखिए, कभी भी मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखने हैं। खासकर किसी भी टाइम पर कोशिश करो कि सारी चीजें के नोटिफिकेशन ऑफ रखो जब पढ़ाई करो, और उसके बाद में आप लोग खुद उठाकर देखो, वो आप लोगों ने बोले कि मुझे उठा लो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, लगे रहते हो उसमें टाइम जो है पता नहीं चलता कितनी जल्दी निकल जाता है। इसीलिए यहां पर अगर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग OTT वीडियो का जो रिवेन्यू है उसके बारे में आप लोग एक अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन यहां पर लगाई जा रही है।
चाइना के द्वारा बोला जा रहा है कि लगभग 76% जो टोटल रिवेन्यू है 2021 में वो यहां पर ओटीटी से आने वाला है। जापान के अंदर बोला जा रहा है 14.23% 2021 के लिए। साउथ कोरिया में यहां पर जो एक टारगेट लगाया जा रहा है ये यहां पर 66.63 के करीब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया में जो यहां पर टारगेट है 2021 का एडवर्टीजमेंट के थ्रू जिसके ऊपर आते हैं ये 1 बिलियन का टारगेट है। साउथ ईस्ट एशिया में आप लोगों को देख लेगा 200 मिलियन, तो यहां पर बिलियन है यहां पर मिलियन है, बहुत ज्यादा है हमारा यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में ओटीटी एडवर्टीजमेंट की बात की जा रही है, ये 8,745 मिलियन 2021 के लिए बात की जा रही है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो रिवेन्यू यहां पर आने वाला है ओटीटी से, तो रिवेन्यू कहां से आता है, रिवेन्यू आता है वहां पे जहां पे जनता जुड़ती है। आप लोग देख रहे हैं मिर्जापुर, आप लोग देख रहे हैं आश्रम, आप लोग देख रहे हैं कोई ईबीएससी अगर सीरीज कोई आ रही है इनके ऊपर, तो इसका मतलब यह कि आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, आप लोग टाइम दे रहे हैं और जहां जनता होगी वहीं एडवर्टीजमेंट करने वाले आप लोगों को मिल जाएंगे। यानी कि अपने अपने प्रोडक्ट का अपने अपना कोई भी जो भी कुछ बेच रहा है मार्केट में, हर कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ आप लोगों को बेचता हुआ मार्केट में नजर आएगा, उसका एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिखेगा। तो वो जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वही बेसिकली रिवेन्यू होते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो यहां पर रिवेन्यू क्रिएट करने का जो साधन होता है मेनली। तो एडवर्टीजमेंट आज के डेट में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री बोल सकते हैं आप लोग, रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग देखते हैं तो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, तो ये मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री को ये चीज पची नहीं और उसने यहां पर इसको रेगुलेट करने के लिए अभी हमारी कंट्री में उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ला दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि वेडनेसडे को यहाँ जो वेडनेसडे है इसमें यहां पर जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है उनके द्वारा एक गजटेड नोटिफिकेशन भी इशू किया गया है, जिसमें यहां पर जो हेड किया जाएगा सारा जो मुद्दा होगा ये हमारी कंट्री में जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, उनके अंडर में यहां पर ये चीजें आ गई हैं। एक तरीके से अब यहां पर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो अनरेगुलेटेड नहीं रहे, अब उनको रेगुलेट किया जाएगा हमारी कंट्री में। आप लोगों को क्या लगता है, रेगुलेट होने चाहिए या फिर रेगुलेट नहीं होने चाहिए, चलिए ये तो क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि आज तक की जो सबसे बेस्ट सीरीज आप लोगों को लगी है, जो आप लोगों ने ओटीटी के ऊपर देखी है, वो कौन सी आप लोगों को लगी है अगर आप लोगों ने देखी है। अगर नहीं देखी है तो बिल्कुल माइंड में मत सोचिएगा यार मैंने तो देखी नहीं, देखनी चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस बनाकर रखो, बाद में देख लेना जब जो भी स्टार्ट करोगे, जिंदगी पड़ी है और ये कहीं नहीं जा रही है, सारी वीडियो वहीं पड़ी रहती है। ओके, आइए अब थोड़ा सा एक आप लोगों को अलग एंगल बताता हूं कि आखिर चल क्या रहा है आज के डेट में अगर आप लोग इन चीजों को कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोगों के सामने ये है कि डीटीएच के साथ में अगर ओटीटी को आप लोग कंपेयर करिएगा तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो डायरेक्ट टू होम सर्विस जो भी आप लोग आज के डेट में यूज करते हैं अपने घरों में, टेलीविजन यूज करते हैं, उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर ओटीटी का। लोग आज के डेट में ओटीटी को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई है जो डीटीएच है उनको काफी कम रिवेन्यू यहां पर मिल रहा है। मैक्सिमम ट्रैफिक जो जा रहा है वो ओटीटी के पास जा रहा है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ट्राई बोलते हैं, ये टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेटरी का काम करती है। इसके द्वारा जो बात की गई यहां पर बोला गया है कि डीटीएच जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है इसमें 25% का डिक्लाइन देखने को मिला है अभी रिसेंटली, जिसमें 54.26 जो मिलियन है अप्रैल से जून में यहां पर, इन कंपैरिजन टू 72.44 यहां पर जो मिलियन थे जनवरी टू मार्च, यानी कि डिक्रीज देखने को मिला, यानी कि 25% जो लोग हैं आज के में वो यहां पर इसके ऊपर नहीं है। तो पहला तो यहां पर ये बोला कि जो नया अभी यहां पर एक रिजीम लाया गया था टैरिफ का, कि टैरिफ जो है उसको उस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, तो ये इंपैक्ट देखने को मिला। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है वो है ओटीटी। आज की डेट में मैक्सिमम जो लोग हैं सबके हाथ में मोबाइल है, और अगर आप लोगों को यहां पर ओटीटी चाहिए तो मोबाइल में इजीली आप लोग उसको ऐप के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप लोग फ्री भी यूज करते हैं, कई सारे कंटेंट सब्सक्रिप्शन के आप लोग सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं यहां पर, मतलब दोनों तरीके से आप लोग यहां पर इसको यूज कर पाते हैं। तो रिसेंट सर्वे जो बताया गया, तो 55% जो इंडियन है यहां पर वो ओटीटी प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डीटीएच, यानी कि अगर उनको बोले कि डीटीएच पे जाना है, ओटीटी पे जाना है, तो मैक्सिमम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि वो ओटीटी पर जाना पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि ओटीटी पे वो अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, उनको लगता है कि अगर कोई प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा तो उसको आगे कर सकते हैं, उनको लगता है नहीं मजा आ रहा वहीं पर रोक सकते हैं उसको। ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली टीवी वगैरह में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, तो यहां पर आप लोगों की जिंदगी आप लोगों के हिसाब से चलेगी, तो इसी के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में 87% इंडियन जो है वो मोबाइल यूज कर रहे हैं वीडियोस को देखने के लिए, तो इसलिए यहां पर इजिली अवेलेबल क्या है यहां पर, ये ओटीटी हो गया। तो एक तरीके से मोबाइल जो है आज की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है, आज की डेट में अगर मोबाइल है तो आप लोग उससे कितने से अच्छे काम कर सकते हैं और कितने ही बुरे से बुरे काम कर सकते हैं, अपने टाइम को बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज कर एक सही लाइफ बना सकते हैं, अपने टाइम को बर्बाद कर अपने आप को वहीं पर बर्बाद कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के हाथ में ही एक ऐसा यंत्र दे दिया गया है जिसको आप लोग अपने आप डिसाइड कीजिए कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को लाइफ को लेकर जाना है।
जब यहां पर एक एनालिसिस किया गया इस तरीके से आप लोग देखते हैं, जब लोगों से पूछा गया कि कौन सा आप लोग प्रिफर करते हैं देखने के लिए यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीटीएच या फिर कोई दूसरा मीडियम आप लोगों के सामने है, तो यहां पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ओटीटी जो है ये सबसे ऊपर यहां पर निकल कर आया। यानी कि ओटीटी जो है मैक्सिमम जनता आज के में ओटीटी देख रही है, कोई भी अगर सीरीज आती है तो वो झटकों में निपटा दी जाती है लोगों के द्वारा। तो इसलिए ओटीटी ने काफी बड़ा एक बोल सकते हैं कि अपना बेस बना लिया है, जिसके चलते ओटीटी को रेगुलेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया कि हाँ ओटीटी को रेगुलेट करना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में। कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करूं, पहले तो ये होगा डायरेक्ट टू होम सर्विस जो है ये डिजिटल सैटेलाइट के थ्रू आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो अगर आप लोग देखें यहां पर जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है टीवी के थ्रू आप लोगों के सामने यहां पर परोसी जाती है, जिसके चलते ये सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिशन आप लोगों के पास में होता है। ओटीटी जो इसको आप लोग बोलते हैं यानी कि ओवर द टॉप, ये बेसिकली ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर जो यहां पर लोग हैं वो आप लोगों को ये प्रोवाइड कराते हैं, और यहां पर ऑडियो स्ट्रीमिंग भी होती है। ठीक है, मैसेजिंग वगैरह इंटरनेट, आप लोग अगर टीवी देख रहे हैं उसके नीचे आप लोग मैसेज नहीं लिख सकते हैं, पर लेकिन इनके नीचे आप लोग मैसेज लिख सकते हैं। जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, तो उसमें जाकर आप लोग मैसेज लिख सकते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है अच्छी बता सकते हैं, कुछ बुरा लग रहा है बुरा बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इंगेजमेंट बढ़ जाता है अगर बात करें यहां पर, कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इंटरनेट के थ्रू आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर भी चाहे अपने स्मार्टफोन टैबलेट या फिर लैपटॉप के थ्रू यहां पर आप लोगों को क्या रहेगा, ये एक तरीके से ये डिजिटल जो रेजर डायरेक्टली सैटेलाइट से रिसीव करेंगे, उसके बाद में यहां पर ये चीजें चलती हैं। अगर आप लोग अगर बात करें कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में, यानी कि कंटेंट क्या रहता है और क्या कॉन्टेक्स्ट रहता है, तो डीटीएच और यहां पर ओटीटी कंप्लीटली डिफरेंट है। यानी कि एक तरीके से जो ओटीटी है ये कंप्लीटली पर्सनल है, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो फैमिली के साथ में बैठकर आप लोग नॉर्मली नहीं देख पाओगे। तो यहां पर बिल्कुल जो एक नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है एक तरीके से मैक्सिमम जनता जो यूज करती है अपने फ्रेंड सर्किल में, अगर आप लोग रहते हैं तो यार दोस्त जो आपस में गाली गलौज करते हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसमें कोई फिल्टर यहां पर आप लोगों को नजर नहीं आएगा। जबकि जो डीटीएच है वो एक सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर सोसाइटी में कहीं पर भी किसी के साथ भी आप लोग बैठकर देख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को ऐसी नहीं लगेगी। आगे अगर बात करें हम लोग यहां पर, जैसे कि ओटीटी जो हो गए सजेस्ट किया जाता है एक तरीके से जो मटेरियल अवेलेबल है डीटीएच और या फिर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यानी कि एक तरीके से आप लोग इनको ये नहीं बोल सकते कि एक दूसरे को काटने वाले हैं, ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग इनको बोल सकते हैं। यानी कि डीटीएच पर आप लोगों को कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट नजर आ जाएंगे जो ओटीटी के लिए है, और ओटीटी पर आप लोगों को कई सारे एडवर्टीजमेंट नजर आ जाएंगे जो डीटीएच पर है। तो यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हैं, ना कि एक दूसरे की काट करने वाले हैं ये दोनों। और जहां पर जनता पहुंचेगी वहां पर उसको रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि उसका मिसयूज न हो जाए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारी कंट्री में 2000 का है, वो जो एक्ट है यहां पर वो इसको कंप्लीटली रेगुलेट करने वाला है आने वाले टाइम में। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोग एक अच्छा रेगुलेशन इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कंडीशन कहां पर जाकर रुकती है और क्या सिचुएशन आगे बनती है यहां पर। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और हाँ आप लोग भी इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएगा, जैसे कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फायदे हैं। फायदे हैं कि जहां पर आप लोग चाहें इसको उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इजिली, सबके पास में आप लोग यहां पर एक तरीके से एक कंटेंट को आप लोग अच्छे लेवल पर परोस सकते हैं। मान लीजिए आज के दिन में अभी मैं आप लोगों से मिर्जापुर की बात की, अगर मिर्जापुर के नाम की कोई मूवी बनाई जाती तो वो 3 घंटे की एक मूवी होती, पर लेकिन इन्होंने क्या किया इसके 100 क्रिएट कर दिए, यानी कि आधे आधे घंटे के पौन पौन घंटे के तो 10-12 ये लेकर आते हैं, तो उससे क्या रहता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर पाते हैं यहां पर ये। तो यानी कि जो प्रोवाइडर हैं वो भी अपने अंदर का जो भी एक उनके अंदर का आर्टिस्ट है उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, और जो देखने वाले हैं उनको भी डिटेल में वो चीजें देखने को मिल जाती है, जबकि 3 घंटे की मूवी में वो चीजें निकलकर जरा सी देर में जाती है, उसका आइडिया भी ढंग से नहीं लग पाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन कई सारी दिक्कत ऐसी है कि आज की डेट में अगर आप लोग इनको देखिए कि इसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगाया जा रहा है, इसको कोई यहां पर रेगुलेट नहीं करने वाला है, जिसकी वजह से जिस तरीके से इसको जनता के सामने परोसा जा रहा है, तो उसकी वजह से काफी लार्ज स्केल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने टाइम को भी यहां पर किल कर रहे हैं, और हमारी कंट्री में इसको अब तक रेगुलेट भी नहीं किया जा रहा था, तो आगे इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो एक बैलेंस बनाकर चलेंगी। तो बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को इसके बारे में एक पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो अपना विचार जो है वो आप लोग जरूर रखिएगा, और उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि अभी लाइव यहां पर ये उदाहरण चल रहे हैं, तो ये एक रियलिटी सोसाइटी में जो चलती है ग्राउंड लेवल पर उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप लोग बता सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं COVID-19 की दवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि एक ओवरव्यू मैंने इसका दिया था, यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में आज फिर से आर्टिकल है। बात की जा रही है यहां पर फिजर के बारे में,
ये यहां पर एक जो बेसिकली कोविड 19 की वैक्सीन के बारे में आर्टिकल है, और यहां पर जो एक वर्ड यूज किया जाएगा ये होता है एंटीबॉडी। पैथोजन जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह जो भी आप लोगों की बॉडी में देखने को मिलते हैं, उसको मारने का काम करती है एंटीबॉडी। अगर आप लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी अच्छी है तो इसका मतलब ये है आप लोगों की बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो काफी अच्छा है। और इम्यून सिस्टम बनाने का काम मेनली कौन करते हैं, वो करती है स्पेसिफिक जो टी सेल होती है आप लोगों की बॉडी में। तो आप लोगों का जो ब्लड होता है तो इस तरीके से उसके साथ में कनेक्ट होकर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, उससे कनेक्ट यहाँ पर ये चीजें नजर आती है। तो मेजर कॉम्पोनेंट जो है यहाँ पर अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम आप लोगों का यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। दवाइयां काम ही क्या करती हैं बेसिकली, आप लोगों को मान लीजिए अभी कोई बीमारी है, तो ये बीमारी आप लोग अभी हस्ट पोस्ट हैं, आगे चलकर कोई बीमारी होगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ बीमारी होगी, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, चलिए आप लोगों को नहीं मुझे रहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर मुझे कोई बीमारी हो गई, ठीक है, अभी फिलहाल मैं हस्तपुष्ट हूँ, आगे चलकर मुझे कोई बीमारी होगी, तो यहाँ पर जैसे ही मुझे वो बीमारी होती है, अब मेरी बॉडी में वो बीमारी किस लिए घुसी, क्योंकि मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो गया। तो कमजोर हो गया इसका मतलब ये, या तो मैंने डाइट अच्छी नहीं ली, या मैंने एक्सरसाइज नहीं ली, या फिर मैं एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल जो होना चाहिए उसको, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जब मन कर रहा है जब जाग रहा हूँ, जब मन कर रहा है तब सो रहा हूँ, नींद काफी कम ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कई सारी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। तो उसी को अगर आप लोग ढंग से समझोगे तो आप लोग समझ पाओगे जब इस तरीके कंडीशन बनती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है। तो जैसे जैसे इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो बॉडी के अंदर कुछ भी अगर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो भी आपको कंट्रोल करने लग जाएंगे थोड़े से भी, और बड़े बड़े वो इतने बड़े स्केल पर हो जाते हैं आगे बढ़कर कि आप लोगों की बॉडी को बीमार कर देते हैं। फिर आप लोगों की बॉडी में दवाई आती है, दवाई क्या करती है, जो इम्यून सिस्टम जो हल्का पड़ गया था उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, और फिर से जो यहां पर जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो जो बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह जो भी वायरस वगैरह जो थे इनको यहां पर वो कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करकर आप लोगों की हेल्दी बॉडी आगे बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आप लोग जब मुगल एरा खत्म हो रहा था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर जब अंग्रेजों ने एंट्री मारी तो अंग्रेज जो थे वो एक तरीके से पैथोजन आप लोग उनको बोल सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया थे हमारी कंट्री में, किस लिए, क्योंकि कोई राजा नहीं था उस टाइम पर, कोई हमारी कंट्री में इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, कोई एंटीबॉडी नहीं थी जो कि उनके साथ में लड़ सके, इसलिए आसानी से उन्होंने हमारी कंट्री में एंट्री कर ली और फिर सब चीजों को कंट्रोल भी किया। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को यहां से समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बना रहना चाहिए और ये दवाई यहां पर ये काम करेगी। तो फर्स्ट जो यहां पर इंटरिम एनालिसिस है, फेज 3 ट्रायल ऑफ फिजर, जो कोविड 19 वैक्सीन जिसको BNT162B2 यानी कि एक तरह से BNT1626, ये फिर से सुनिए, BNT1622, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वैक्सीन है यहां पर, तो इसमें एक आप लोग आशावाद की किरण देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज जब इसका आया सामने निकलकर उस टाइम पर यहां ने इसने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस किया यहां पर एक तरीके से जो न्यूट्रलाइज करने की बात की एंटीबॉडीज, ठीक है। तो यहां पर ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम बना रहे और स्पेसिफिक जो टी सेल थी उनका रेस्पॉन्स जो था वो यंगर और एडल्ट के लिए वो भी यहां पर काफी अच्छा नोटिस किया गया। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, अगर कोई भी मेडिसिन आप लोग बनाना चाहते हैं तो नॉर्मली ये 6 फेज है जिससे वो मेडिसिन होकर गुजरती है। सबसे पहले तो आप लोग एक्सप्लोर करते हैं किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीजें होनी है, वो सारा एक ओवरव्यू आप लोग लेते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में प्री क्लिनिकल ट्रायल होती है, यानी कि जैसे बंदरों पर ट्रायल कर ली, अभी यहां पर आप लोग देख रहे हैं जब यहां पर इसका यह रेसिस मकाओ के ऊपर यहां पर इसका ट्रायल किया गया तो इसका जो रेस्पॉन्स था वो प्री क्लिनिकल ट्रायल का नाम यहां पर दिया गया। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल जो रहती है पहले जानवरों पर उसको टेस्ट किया जाता है कि आगे चलकर अगर इंसानों पर इसको एक्सेप्ट किया जाए तो फिर उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़े, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं जानवरों की जो जिंदगी होती है वो इंसानों से कम आंकते हैं हम लोग, इसीलिए यहां पर इस तरीके की हरकतें करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जानवरों की दवाई बनानी हो इंसानों के ऊपर पहले टेस्ट की गई हो, जबकि इंसान जो है सबसे खतरनाक जानवर हो चुका है आज के डेट में। बात करें फिर यहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद में, क्लिनिकल ट्रायल पे जब आप लोग आओगे तो इसमें लोगों के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, पहला फेज रहता है, दूसरा फेज रहता है, तीसरा फेज रहता है, ऐसे ऐसे फेज इसमें चलते हैं। पहले फेज में मान लीजिए इन्होंने 100 के करीब जो लोग हैं, 100 के नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर टेस्ट किया, फिर 1000 के ऊपर ये डेटा पहुंच गया, फिर 10,000 लाखों में डेटा पहुंच गया। तो उसको चेक किया जाता है और फिर उनको जिसको दवाई दी जाती है उनका एक एनालिसिस किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है इस दवाई की वजह से ठीक हो रहा है या इसकी बॉडी पर कोई और इंपैक्ट पड़ रहा है। तो पूरा एक एनालिसिस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे पता चलता है जब यहां पर सारी चीजें सही चल रही है और पूरा एनालिसिस एक हो जाता है फिर पता चलता है कि दवाई सही है, अब इसको जनता को दिया जा सकता है। रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल जो है फिर यहां पर नेक्स्ट फेज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे इसको रेगुलेट करना है, कैसे इसको जनता तक पहुंचाता है, रिव्यू कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट फिर यहां पर हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी क्वालिटी देखी जाती है कि भैया जिस तरीके से दवाई बनाई गई थी, जो सॉल्ट जितना मात्रा में जो ऐड किया गया था वो उतनी क्वालिटी का है या फिर ऐसे ही काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब चेक कर लेता है उसके बाद में फिर यहां पर चीजें आगे निकल कर आती हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है।
तो ये जो सारी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको अप टू द मार्क करा जाएगा, क्योंकि जब ये दवाई है इस दवाई को यूज करने के लिए यहां पर लगभग 70 डिग्री माइनस का टेम्परेचर चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो आप लोग इस दवाई को यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग क्रिएट करनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह mRNA टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है यहां पर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी जब आप लोगों की बॉडी में कोई दवाई लगाई जाती है, कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, कोई डोज आप लोगों को दिया जाता है, तो आप लोगों को नहीं, मुझे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बीमार तो मैं था ना यानी कोई भी जैसे मैं बीमार होगा, कोई डोज मुझे दिया जाता है, तो उस टाइम पर कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी कि मेरी बॉडी में उस टाइम पर एंटीबॉडी क्रिएट होंगी और जो भी यहां पर जो प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि वायरस की हेल्प नहीं ली गई है। नॉर्मली क्या होता है, वायरस की हेल्प लेते कि अच्छा इस वायरस को मारना है, तो उसकी बॉडी से भी एक तरीके से उसकी बॉडी से भी यहां पर पोर्शन लिया जाता था और फिर उसको यूज किया जाता था दवाई बनाने के लिए, पर लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस घट जा रहे हैं बॉडी के ऊपर। यानी कि जो यहां पर ये वाली दवाई यूज करते थे वायरस का यूज करके, उससे नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलते थे, पर लेकिन यहां पर वो भी नेगेटिव इंपैक्ट का जो एक तरीके से फंडा है वो घट जाएगा और ये ज्यादा फास्ट तरीके से यहां पर काम करती नजर आएगी और इनएक्सपेंसिव भी है, क्योंकि कम काम जो है वो उस तरीके से नहीं किया गया, वायरस वायरस वाला वो चक्कर डालकर वो काफी ज्यादा एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो उसकी जैसे भी यहां पर एक अच्छा ये तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि जो फिलहाल अभी दवाई ये बनाने की बात की जा रही है, तो ये सही तरीका यहां पर ये कि ये जो टेक्नोलॉजी है mRNA जिसको मैंने बोला है, ये कई सारी कंपनी यहां पर यूज कर रही है, ठीक है। तो इंडिया को जरूरी है पहले कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर ले, अगर रियलिटी में वो चाहते हैं कि इस दवाई को यूटिलाइज करना है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे यहां पर बात की जा रही है फिजर के बारे में, ये अकेली कोई कंपनी नहीं है जो mRNA टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, इसके साथ में मॉडर्ना NIAID करके कंपनी है, ये भी इसी को यूज कर रही है। इसी के साथ में यहां पर नोवेक्स करके, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, नेक्स्ट बात की जा रही है सैनोफी करके, इसी के साथ में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन करके यहां पर ये कंपनी है। अलग अलग कंपनी mRNA टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, तो सिमिलर आउटकम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो लोगों को भी अच्छा फील हो रहा है कि यार रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में हम लोग को अच्छी न्यूज देखने को मिलने वाली है। यानी कि जैसे मूवी नहीं है गुड न्यूज, बहुत अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग यार मतलब अगर हंसी का मूड हो, हंसने का मूड हो आप लोगों का, तो ये मूवी देखेगा, हंस हंस कर पेट दुख जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी बैठकर देख रहे लोगों, तो ये मूवी जो है उसमें एक तरीके से गुड न्यूज जो मूवी है यहाँ पर एक तरीके से यानी कि गुड न्यूज देगी अगर जल्दी यहाँ पर COVID-19 से रिलेटेड आप लोग दवाई लेकर आते हो। तो ये इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल बोल सकते हो और एक आशा की किरण देने वाला भी यहाँ पर ये आर्टिकल है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आइए अब इलेक्शन के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर दो आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने यहां पर कार्टून है, ये कार्टून आप लोग देखिए, कार्टून में यहां पर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो 40 से 50 शब्द में आप लोगों को यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है। बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग भी उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। अभी अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखो बिहार के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो टोटल मिलाकर यहां पर 125 जो था NDA जीत कर आया, तो बीजेपी जो थी यहां पर वो 74 सीट जीती और JD जो कि यहां पर जो जनता दल पार्टी है यहां पर नीतीश कुमार की, वो 43 सीट जीती। तो इनडायरेक्ट वे में अगर आप लोग बोलिए, अब जनता दल जो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी की अलाई थी यहां पर, और पहले बीजेपी के पास में कम सीट थी और JDU के पास में ज्यादा है, अब यहां पर उल्टा काम हो गया है। यहां पर इसके पास में जो सीट पहुंच गई है ये पहुंच गई है कम, यानी कि एक तरीके से ये इसका सबोर्डिनेट बन गया है अब यहां पर। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि NDA जो थम्सअप मेजोरिटी के साथ में यहां पर निकलकर सामने आई है, तो एक ऑल्टरनेटिव पार्टी यहां पर सामने निकलकर आ रही है जिसने कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर दिया है JD को, जिसके नीचे वो काम किया करते थे अब तक। अब यहां पर एक अलग ही फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो HAM और जो VIP यहां पर ये 4 सीट इनको यहां पर मिली, जो कि टोटल 243 असेंबली में अगर आप लोग बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो 4th चीफ मिनिस्टर यहां पर बनने जा रहे हैं, पर लेकिन मर्सी यानी कि दया किसकी रहेगी, वो रहेगी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की, यानी कि बीजेपी की दया के बेस पर यहां पर ये चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो स्ट्रॉन्ग स्टेप ये उठा पाते थे वो अब ये नहीं उठा पाएंगे, हालांकि पहले भी ये काफी लंबे समय से इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। देखिए मेरा मानना यहां पर ये था, जब इन्होंने स्टार्टिंग में लालू प्रसाद यादव के साथ में गठबंधन किया था, अगर वो गठबंधन छोड़कर जा रहे थे तो यहां पर जिस तरीके से इन्होंने फिर जाकर बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, और यही वो पर्सन थे जो बीजेपी को छोड़ के आए थे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम अनाउंस किया गया था, यानी कि इनको लगता था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो सही पर्सन नहीं है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, तो इसलिए इनके द्वारा उस टाइम पर बीजेपी को छोड़ दिया गया। तो ये काफी लार्ज स्केल पर ये हरकतें कर रहे थे और फिर जाकर उसी को जोड़ लिया, तो जनता का एक ट्रस्ट टूट जाता है यार इस तरीके से। यानी कि जनता तुमको फॉलो किस लिए कर रही थी, क्योंकि जब तुम यहां पर स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में आए थे उस टाइम पर काफी अच्छा काम किया, अपने बूते पर अपने दम पर आपने काम किया था, सोशल जस्टिस को इंप्रूव किया था, गवर्नेंस को इंप्रूव किया था। पर आज के दिन में क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आप लोगों को चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी नीचे क्यों ना गिरना पड़े। तो अगर जब इस तरीके कंडीशन बन जाती है तो फिर सिचुएशन यही क्रिएट होती है। तो गवर्नेंस के बारे में अगर आप लोग बात करिए बिहार के अंदर, तो कंडीशन फिर यहां पर ये देखने को मिल रही है। तो बीजेपी, जो अगर बीजेपी के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो उसके पास में एक अच्छा टाइम है यहां पर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को काफी टाइट तरीके से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो है ये एक तरीके से पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए यहां पर बीजेपी के ऊपर। तो इसलिए यहां पर जो नीतीश कुमार है उनके लिए टाइम जो है आने वाला टफ रहने वाला है, क्योंकि वो सबोर्डिनेट बन गए। पहले तो वहां पर इक्वल पार्टनर की तरीके से उनकी हैसियत थी, पर अब वो सबोर्डिनेट की हैसियत से यहां पर काम करते नजर आएंगे। आखिर सब लोग बोल रहे थे कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी जीत कर नहीं आएगी, फिर भी मुद्दे क्या रहे जिसकी वजह से जीत गई। एक तो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा था वो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर डिस्कस किया गया, और दूसरा अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल बनाने की बात की जा रही थी, तो ये मुद्दे यहां पर डिस्कस किए गए। यानी कि जो जीत कर यहां पर आई है वो इंप्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब मुद्दों के ऊपर नहीं जीत कर आए हैं, ये जो आज की डेट में भी जो इमोशनल करने वाले जो मुद्दे हैं उसके ऊपर जीत कर आए हैं। यानी कि राइटर जो है मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के जीतने से खुश नहीं है, ठीक है। तो यहां पर चलिए जो भी है उनके खुद के विचार हैं। अगर बात करें यहां पर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, और इनके बेटे सपुत्र इनको आके लेकर चल रहे हैं तेजस्वी यादव, इनके द्वारा हालांकि चीजों को कुछ अलग डायरेक्शन में लेकर चलने की कोशिश की गई। इंप्लॉयमेंट को मुद्दा बनाया गया यहां पर कि हां इंप्लॉयमेंट के ऊपर भी बात करनी चाहिए, पर रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर चेक करेंगे तो ये एक्चुअल में यहां पर पॉपुलैरिटी तो मिली पर लेकिन इतना नहीं मिली कि आगे चलकर चीफ मिनिस्टर भी बन जाएंगे। तो इनको और टाइम अभी रखना पड़ेगा और ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा, वरना 5 साल में लोग भूल भी जाते हैं कि ऐसा भी कोई पर्सन था, अगर ये एक्टिवली अपोजिशन, एक अच्छी अपोजिशन का अगर रोल प्ले नहीं करेंगे। देखिए अपोजिशन जैसे हार जाते हैं ना, तो लोग सोचते हैं यार हार गए, तो हारने का मतलब कि है यार हमारे पास में कुछ नहीं है। नहीं यार, अपोजिशन हो आप, अपोजिशन यहां पर चुनेगी जनता, अगर आप लोग गवर्नमेंट कुछ करेगी, अगर उसके ऊपर आप लोग अपना आवाज उठाओगे, पर लेकिन अपोजिशन तो अपोजिशन के नाम पर अपोजिशन रह गई है, रियलिटी में जो अपोजिशन है वो काफी लार्ज स्केल पर चीजें खत्म करती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बात करें, जो लोग बोलते थे कि यहां पर इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए, काफी ज्यादा मुद्दे उस टाइम पर चल रहे थे, ये तो मानना पड़ेगा कि बंदे के पास में आज के दिन में अगर आप लोग देखिए एक प्रॉपर थॉट प्रोसेसर है, विचारधारा है, एक संगठन का नेतृत्व करने की कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है, ये खुद भी बोलते हैं कि मैं नहीं तो और कौन, यानी कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो और कौन है प्राइम मिनिस्टर बनाने लायक, तो ये बात ये बोलते हैं। इसलिए आज की डेट में भी अब तक भी कोई ऐसा नहीं है जो एक प्रॉपर अल्टरनेटिव यहां पर लेकर आ सके बीजेपी का। तो यहां पर अब की डेट में अगर आज के डेट में देखिए तो प्रॉपर अल्टरनेटिव जिस दिन बन जाएगा उस दिन देखिए होता क्या है, आज की डेट में अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग वहां पर काम करने वाले अकेले हैं, आप लोग इसके समझिए कोई आप लोगों के मोहल्ले पड़ोस में कोई सब्जी वाले की दुकान है, अब वो सब्जी टमाटर के भाव मान लीजिए 20 रुपए किलो है, वो आप लोगों को 50 रुपए किलो भी देगा ना, तो आप लोग खरीदनी पड़ेगी क्योंकि आसपास में कईयों किलोमीटर तक कोई भी इंसान नहीं है। पर लेकिन अगर सामने आकर एक और बंदा यहां पर दुकान खोलकर बैठ जाए तो ये अपने एक तरीके से जो सही प्राइस है वो लगाएंगे, कंट्रोल में रहेंगे। तो इसलिए यहां पर अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी है, पता चले कि सामने टक्कर का कैंडिडेट है, तो फिर वो अपना काम ढंग से करना स्टार्ट कर देते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीजें देखते हैं कितना, कब तक यहां पर इनका अल्टरनेटिव आता है और कब तक चीजें होती हैं वो देखते हैं जो भी चलता है। 2024 में जो इलेक्शन होगी उसमें पता चलेगा, बाकी तब तक चीजों को आप लोग एंजॉय करते रहिए। फिलहाल नीतीश कुमार जी जो है उनकी जो पोस्ट है वो काफी वीक हो गई है, अब यहां पर देखते हैं इनकी कैसे गड्डी चलती है और किस तरीके से कब तक चीजें आगे चल पाती हैं। दूसरा एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को पता होगा अगर लंबे समय तक आप लोग फॉलो करके यहां पर चल रहे हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधे जिनको एक तरीके से राजकुमार भी बुलाया जाता था, काफी लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस के पार्ट थे छोड़कर जाकर बीजेपी में मिल गए। तो बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश में जो बेसिकली जब यहां पर जीत कर तो आई थी कांग्रेस, पर इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया और कई सारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे उनके द्वारा वहां से जब चीजें छोड़ी, यानी कि पोस्ट खाली हुई, एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बातें की गई, तो उस टाइम पर कंडीशन ये बनी कि फिर से इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन तब देखते हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल जो है बीजेपी जो है वो मेजोरिटी में आ गई है, तो 230 मेंबर की असेंबली में यहां पर जो बीजेपी है उसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेजोरिटी के लिए 115 सीट चाहिए पर इनके पास में 123 सीट आ गई है, यानी कि आसानी से अब अपनी गवर्नमेंट यहां पर चला सकते हैं। और उसमें बहुत बड़ा जो रोल रहा यहां पर ये रहा इन साहब का, यानी कि इनके जो छोड़कर यहां पर गए तो पॉलिटिकल पार्टी को काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिली, तो इनके द्वारा काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा यहां पर खासकर कांग्रेस के ऊपर, जब से यहां पर छोड़कर गए तो इनकी बनी नहीं आपस में, तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। कांग्रेस में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी वहां पर लीडरशिप की प्रॉब्लम है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक परिवार चलाने की
डिस्कस कर रहे हैं यार, कुछ डेमोक्रेसी तो रखो थोड़ी सी। हालांकि डेमोक्रेसी प्रॉपर वे में ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, पर लेकिन कुछ तो रखो एक तरीके से, यानी कि ऐसा तो रखो कम से कम कि हाँ चीजें ठीक तरीके से आगे चल सके। लगता नहीं है कि कोई उनके अलावा कोई यहां पर कभी कोई लीडर निकल कर आ पाएगा। बीजेपी में चीजें अगर थोड़ा अच्छी चली तो वहां पर देखिए एक चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कांग्रेस में अगर चीजें ऐसी आए कि हाँ डेमोक्रेसी थोड़ी रहे और कोई नीचे से पर्सन उठकर ऊपरली पोस्ट तक पहुंच जाए तो वो ज्यादा बेटर तरीका रहेगा। तो इंटरनल डेमोक्रेसी भी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, और ये भी आप लोग अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो ये पॉइंट जरूर आप लोग मेंशन करिएगा जब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इंटरनल डेमोक्रेसी वहां पर होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। नेक्स्ट, यहां पर अर्णब साहब जो है वो जेल में है, तो इनको लेकर काफी ज्यादा चीजें जो है वो डिवाइड हो गई हैं। यानी कि कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं कि गलत किया गया इनके साथ में, और कुछ ऐसे हैं कि जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सही हो रहा है। तो देखिए, एक तो अगर नॉर्मल तरीके से न्यूट्रल तरीके से आप लोग इसको देखिए, आप लोग किसी के सपोर्टर नहीं है उस तरीके से, बस एक नॉर्मल सिटीजन है, तो उस तरीके से देखिए अगर किसी भी जर्नलिस्ट को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है जो कि उसको एक तरीके से इस लेवल पर लाकर बिना पहले स्टडी किए हुए चीजों को ढंग से किए हुए अगर इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो ये सही नहीं है, अगर यहां पर राइटर के हिसाब से माने। यानी कि जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट को उसकी तरीके से ट्रीट करो, इनकी वजह से क्या होगा जो दूसरे लोग हैं। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना फायदा निकालने के लिए सप्रेस करती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बार इनके द्वारा बोला गया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये मान रही है पर कि अपना बदला उतार रही है इनसे, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है किसी और राज्य में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो और वहां पर अगर कोई जर्नलिस्ट निकलकर आता है तो उसको भी ऐसे उसके साथ में सप्रेस किया जाए, तो इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कहीं ना कहीं दबती हुई आप लोगों को नजर आएगी, आप लोगों तक भी सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे हैं वही आप लोगों तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो इसको अगर उस तरीके से आप लोग लेकर चलिए कि यहां पर एक तरीके से जर्नलिज्म के ऊपर अटैक है यहां पर, ये यानी कि जर्नलिस्ट जो है एक तरीके से उनको इस तरीके से यहां पर पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, तो ये कितने हद तक सही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जर्नलिज्म जो है सोसाइटी में अगर इंडिपेंडेंट रहता है वही सोसाइटी आगे बढ़ती नजर आती है, उसी सोसाइटी में जो लोग हैं उनका थॉट प्रोसीजर अच्छा रहता है, वो चीजों को सोच पाते हैं समझ पाते हैं, पर लेकिन अगर इस तरीके से फंडा चलेगा यहां पर कि जर्नलिज्म को ही सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी तो फिर आप लोग उसको कैसे देखिएगा। तो ये जरूरी है कि जर्नलिज्म को सप्रेस नहीं करना है, जर्नलिज्म एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। और हमारी कंट्री में अगर संविधान के अंदर आप लोग जाओगे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में आप लोग जाओगे तो मीडिया, फ्री मीडिया के बारे में वहां पर बात की जाती है। तो मीडिया अगर अच्छे से वहां पर काम कर पाएगी वहां पर तो तभी जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो उसके कैंडिडेट किस तरीके के लोग हैं वहां पर, किस लेवल के लोग हैं, तो वो मीडिया ही आप लोगों तक पहुंचाती है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती नजर आए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहां पर इर्मिंगर सी के बारे में, तो इसको देख लेते हैं कहां पर है। बोला जा रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक क्वेश्चन में है। इसी के साथ में यहां पर इसका जो नाम रखा गया था वाइस एडमिरल कार्ल लुडविग, ठीक है, जो यहां पर क्रिस्टन इर्मिंगर थे, इनके नाम पर इनका इसका नाम रखा गया था। क्या स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉर 2। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखें तब आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गया यहां पर इर्मिंगर सी, यहां पर आप लोग ग्रीनलैंड देख रहे हैं, इसके बराबर में यहां पर ये इर्मिंगर जो सी है आप लोगों को नजर आएगा। और अपनी कंट्री कंपेयर में भी अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये हो गया ग्रीनलैंड यहां पर, ठीक है। तो इसके बराबर में यहां पर आप लोग को इर्मिंगन सी जो है वो देखने को मिलेगा, जो यहां पर ये आइसलैंड हो गया बराबर में आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहां पर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो पास वाला इसका एरिया हो गया, जब आप लोग इसको साथ में कंपेयर करके देखिएगा तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। आइसलैंड यहां पर हो गया, यहां पर ग्रीनलैंड हो गया, तो इसके बीच के एरिया को यहां पर इस नाम से पुकारा जाता है। यहां पर लेब्राडोर आप लोग सी देख सकते हैं, लेब्राडोर करंट का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, इर्मिंगर करंट का भी नाम दिया है। ज्योग्राफी में करंट वाला चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, तो वो यहीं से ही निकलकर आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से चीजों को एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई सारे बच्चे काफी डिटेल में उसका आंसर देते हैं, तो काफी अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर देखता हूं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू करते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अगर आप लोगों से कोई पूछता है उसको भी आप लोग रिप्लाई किया कीजिए। और देखिए, कई एक बच्चा लिख रहा था कि सर मैं फर्स्ट हूं, जैसे आप लोग लिखते हैं ना फर्स्ट मैंने वीडियो देखी, तो उसमें कई सारे बच्चे क्या करते हैं उसके नीचे कमेंट करते हैं कि कौन सा नोबेल प्राइज जीत लिया, ठीक है। तो यार अगर उनके लिए वो मोटिवेशन है, एक अच्छा मोटिवेशन अगर उनको आ रहा है वीडियो जल्दी देख रहे हैं उसमें, आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप लोग उसको उस तरीके से क्यों अपनी एनर्जी को वहां पर आप लोग लगा रहे हैं, मतलब कोई कुछ करना चाह रहा है अगर उसको वो चीजें अच्छी लग रही है अंदर से तो उसको वो चीज करने दीजिए, ठीक है। कम से कम वो आंसर तो दे रहा है बंदा, उसके नीचे आप लोग देखेगा वो लिखता है तो उसके नीचे उसके आंसर भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार एक अच्छी अच्छी मोटिवेशन कोट रहती है, कई सारे बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अगर सीख सकते हो तो उनसे कुछ सीखिए, दूसरे को डिमोरलाइज मत कीजिए। एक बच्चे ने पहली बार आंसर
पोस्ट किया, उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, दूसरा आकर बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो यार ऐसे शब्द यूज मत किया करो, अगर इस तरीके शब्द यूज करोगे तो ये इस तरीके से नेगेटिव वाइब्स आप लोग वहां पर लेकर आ रहे हो। वो करे या ना करे, अगर इस तरीके टर्म को यूज करता है वो बंदा बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो दूसरे को कम आंकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छा इंसानियत के नाते एक अच्छा बिहेवियर अपना रखिए, दूसरों से क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर फोकस रखिए, ना कि दूसरों की कमियां खामियां निकालने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। काफी अच्छी है यार हमारी जो SLB फैमिली है, जिस तरीके से कई सारे बच्चे, हालांकि कुछ ऐसे आ जाते हैं जो नए नए होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका माइंडसेट अलग रहता है, तो उनको आप लोग इंटरटेन न किया कीजिए, आप लोग अपने काम से मतलब रखा कीजिए, ठीक है। तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।